Hey lovelies, welcome back to my channel. I am Joshita. I hope you all are doing great. So, आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना एंड शेयर योर सजेशंस एंड थॉट्स इन कमेंट बॉक्स बिलो. ओके, सो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा कि इस वीडियो में मैं बॉटल को रियलिस्टिक पाइनएप्पल का लुक देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना. एंड गाइज, और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये मेरी एक्सपेरिमेंटल वीडियो होने वाली है. इसके पहले मैंने कभी ऐसे कुछ ट्राई नहीं किया. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं मेरी वीडियोस में एंड आर्ट में और इम्प्रूवमेंट ला सकूं. तो चलिए देखते हैं इस बॉटल को हम रियलिस्टिक पाइनएप्पल का लुक दे पाते हैं या नहीं. बाय द वे, पाइनएप्पल इज़ माय फेवरेट फ्रूट. व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. सो सबसे पहले मैंने यहाँ टिश्यू पेपर का यूज़ किया है. अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो. बिकॉज आई वॉन्ट रियलिस्टिक पाइनएप्पल लुक, सो टेक्सचर लाने के लिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे. टिश्यू पेपर को बॉटल पे स्टिक करने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच फेविकॉल और 1 चम्मच पानी. ऐसे लग रहा है कि मैं आपको कोई रेसिपी बता रही हूँ, एक्चुअली मैं आपको रेसिपी ही बता रही हूँ पाइनएप्पल कैसे बनाते हैं. ओके, जोक्स अपार्ट, आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, बट रेशियो यही रखना, क्योंकि अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो पेपर बॉटल पे स्टिक नहीं होंगे. टिश्यू पेपर को बॉटल पे अच्छे से स्टिक कर देने के बाद 1 कोट फेविकॉल एंड वाटर का मिक्सचर अप्लाई कर देना है एंड लेट इट ड्राई. ड्राई होने के लिए इसे टाइम लगता है, आप चाहे तो ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो. अब हमारी बॉटल पूरी तरह ड्राई हो चुकी है. अब हम इस पर पाइनएप्पल की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे. इसके लिए आप ग्लास पेंसिल का यूज़ कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल पेंसिल से भी इसे बना सकते हो. मेरे पास ये ग्लास पेंसिल थी तो मैं ग्लास पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ. अब हमारी डिज़ाइन ड्रॉ हो चुकी है. क्योंकि हमें इसे रियलिस्टिक पाइनएप्पल का लुक देना है तो हम इसे 3D आउटलाइनर से ड्रॉ करेंगे. मैं यहाँ फेविक्रिल का वाइट 3D आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ. आपके पास जो भी कलर का आईलाइनर अवेलेबल होगा आप उससे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज लेटर ऑन हमें इस पर कलर ही अप्लाई करना है. तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से कलर का 3D आईलाइनर यूज़ करते हो.
अब ये 3D आईलाइनर भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब बारी है कलर्स की। मैं यहाँ ऑरेंज एंड येलो कलर के फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक्रेलिक कलर्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपके पास एक्रेलिक कलर अवेलेबल है तो आप एक्रेलिक कलर का यूज़ कीजिए। अब हम स्पॉन्ज की हेल्प से इसे बॉटल पे अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप ऑरेंज कलर का बहुत ही कम यूज़ कीजिए, वरना आपकी बॉटल ऑरेंज दिखने लगेगी। तो जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि ऑरेंज कलर का यूज़ बहुत ही कम करना, नहीं तो आपकी बॉटल भी मेरी बॉटल तरह ऑरेंज दिखने लगेगी। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा येलो शेड अप्लाई कर रही हूँ। अब हमारा बेस कलर रेडी है। अब बारी है इस पे डिटेलिंग की। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, एक स्टेप मैंने स्किप कर दी है बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत है। आप डायरेक्टली ये लाइट ग्रीन कलर से भी डिज़ाइन बना सकते हो। गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये मेरी एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, बट उससे कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था और मैं नहीं चाहती कि आप कन्फ्यूज़ हो जाए। ओके, इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने बॉटल के टॉप पोर्शन पे यही ग्रीन कलर अप्लाई किया है, बट सो सॉरी, गलती से वीडियो प्ले करना ही भूल गई। मैंने इसे स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई किया है। अब हम इस पर डार्क ग्रीन की हेल्प से पाइनएप्पल लीव्स बनाएंगे। अभी भी हमारा पाइनएप्पल रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो चलिए थोड़ी और डिटेलिंग कर देते हैं। इसे और ज़्यादा गहरा दिखाने के लिए हम डार्क ग्रीन की हेल्प से इसे शेडिंग देंगे।
ओके, सो हमारा हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने इसे कैसे शेड दिया है। एंड दिस इज़ अवर लास्ट स्टेप। जो साइन हमने बनाई थी उसके सेंटर में हमें वाइट एक्रेलिक पेंट अप्लाई करना है। आप देख सकते हो हमें एग्जैक्ट डॉट नहीं अप्लाई करना है, ना ही हमें ज़्यादा वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ करना है। दिस इज़ जस्ट फॉर द इफेक्ट। ये सो नाउ पाइनएप्पल इज़ रेडी। आप देख सकते हो कि टिश्यू पेपर की वजह से इसे बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिला है, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि इसे कोई क्लीन लुक मिले, बिकॉज पाइनएप्पल हमें ऐसे ही दिखने मिलता है। एंड गाइज, ये बॉटल कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर एशियन पेंट्स का क्लियर सिंथेटिक वार्निश अप्लाई करूँगी, जिसकी वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि मैं स्टोरी में अपलोड करूँ, तो आप मेरी स्टोरी चेक करते रहिएगा। सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू डू समथिंग न्यू क्रिएटिव रियलिस्टिक थिंग लाइक दिस, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद द रिजल्ट। टेल मी योर थाट्स एंड सजेशंस अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो, इफ यू आर अ पाइनएप्पल लवर और यू लव क्रिएटिंग समथिंग न्यू, देन रिक्रिएट दिस ब्यूटी एंड शेयर योर रिक्रिएशंस विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।